हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो मैंने पिज्ज़ा की रेसिपी पहले भी शेयर की है, लेकिन मेरे जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो शायद उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं इसलिए फिर से शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, और प्लीज़ ये छोटा सा मेरा वीडियो है तो इसको ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड, पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गाजर लंबे टुकड़ों में काट लिया है, और कैप्सिकम और ओनियन, और साथ में चीज़ ले लिया है, और पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है, और ओरिगेनो चिली फ्लेक्स ले लिया है, और पिज़्ज़ा बेस, तो 2 पिज़्ज़ा बेस लिया है मैंने। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो उसको ना, एक पिज़्ज़ा बेस में लगभग 1 से 1.5 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लग जाता है, और उसको अच्छी तरह ना पूरा फैला देंगे। और उसके बाद उसमें चीज़ क्रश करेंगे, और चीज़ अपने अपनी मर्ज़ी पर है, आप चाहे जितना डाल सकते हो। और उसके बाद उसमें जो भी हमने सब्जियां कट करके रखी है उसको उसमें फैला देंगे। ऊपर से उसमें चिली फ्लेक, ओरिगेनो और ब्लैक पेपर भी डाल देंगे, और उसके बाद इसको बेक करेंगे। तो फ्रेंड, ये आप ना कढ़ाई में भी बना सकते हैं, ऐसे तो मैं इसको ओवन में बनाऊंगी, लेकिन आप इसको कढ़ाई में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप कोई भी कढ़ाई जैसे अलमुनियम या लोहे की ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं आप, और उसमें आप ना नीचे नमक डाल सकते हैं, और उस पर एक कटोरी रख के उस पर है ना ये पिज़्ज़ा बेस जो है किसी प्लेट में रख के आप इसको कटोरी के ऊपर डाल दें, और उसको अच्छी तरह कवर कर दें, और 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, तो वो पक जाता है आराम से, क्योंकि ये तो पहले से हाफ पका हुआ होता है। और उसके बाद है ना उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, मैं इसको ओवन में डाल रही हूँ, तो ओवन में ये 13 मिनट लगते हैं, और ये 13 मिनट में पक जाते हैं। तो फ्रेंड, ये हर ओवन और माइक्रोवेवन की अलग अलग टाइमिंग होती है, तो हमारे जो है हमारे ओवन में इसको पकने में 13 मिनट लगते हैं। वैसे तो फ्रेंड, ये आप ना मैदे का डो का भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब भी मैदे का डो से बनाते हैं तो उसको कम से कम आधा से 1 घंटा पहले गूंथ कर रखना पड़ता है। और ये अभी ना बहुत आसान हो जाता है कि पिज़्ज़ा वैसा मार्केट में आसानी से मिल जाता है कहीं भी, और आप उसको ला के आराम से आधा घंटे के अंदर इसको आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया, एक पिज़्ज़ा। और मेरा सौरभ जो है वो वेट कर रहा था मम्मी कब से, कि मम्मी कब होगा, उसको पिज़्ज़ा बहुत इंतज़ार रहता है। तो ये मैं दूसरा जो मैं एक और रखती हूँ, तो मैं इसको भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ। हस्बैंड तो इस समय नहीं रहते हैं, तो ये सिर्फ हम दोनों के लिए ही है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ पिज़्ज़ा खा लीजिए। और ये दूसरा पिज़्ज़ा भी मैंने इसका टॉपिंग तैयार कर लिया है, अब इसको भी बेक कर लेती हूँ। तो इसको भी मैं 13 मिनट के लिए अब मैं छोड़ दूँगी, और इसको पहले से ही मैंने ना 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया था ओवन को, तो 13 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और जो पहला पिज़्ज़ा है उसको अब मैं कट करके सौरभ को दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि अभी तक वो बहुत ज़्यादा गर्म था तो वो नहीं खाया था। तो ये मैंने कट कर लिया, और ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आया है ना, और खाने में भी ये बिल्कुल मार्केट जैसा होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब तो इतना आसान हो गया है कि मार्केट में और बेकरी में हर जगह ये बहुत आसानी से मिल जाता है, और आप कभी भी पिज़्ज़ा बेस ला कर आसानी से घर में बना सकते हैं। सौरभ खाने में लग गया, और मैं उसको बोल रही हूँ देखो मैं बीमार हूँ फिर भी तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो वो बोल रहा मम्मी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए, कि उसको पिज़्ज़ा खाने में कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। और मैं बोल रही हूँ जल्दी से खा लो, उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। तो फ्रेंड, मेरा पिज़्ज़ा बन गया है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए मैं खाने जा रही हूँ, और ये देखिए सौरभ खा चुका है लेकिन फिर भी बैठा हुआ है कि और चाहिए मम्मी और चाहिए। चलो ये लो 1 पीस। थैंक यू। बताइए किसके किसके मुंह में पानी आया।